2024 में फेसबुक पर वीडियोस अपलोड करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका तभी कहलाता है जब आपकी वीडियोस पे व्यूज आता है और आपकी वीडियो वायरल होने लगती है। मैं यहाँ पे आपको एक पेज दिखाना चाहूंगा अपना, जरा ध्यान से देखिए। 14 नवंबर को वीडियोस डाली थी मैंने, कितना है 10K व्यूज। 13 नवंबर को डाली थी 22K, 11 नवंबर को 1.4, इस पे मैं थंबनेल नहीं लगा पाया था तो व्यूज डाउन रह गया। 10 नवंबर को डाली 5.8, 9 नवंबर को डाली 1K। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ और जरा देखिए कितना व्यूज यहाँ पे आ रहा है। 1 नवंबर को डाली, इतना व्यूज आ रहा है। 1 नवंबर को 21,000, 31 अक्टूबर को डाली 48,000, 30 अक्टूबर को डाली 25,000, फिर 29 अक्टूबर को डाली थी 9K व्यूज। उसके बाद ऊपर करता हूँ, जरा देखिए किस तरह से यहाँ पे व्यूज आ रहा है। ये व्यूज देखो 13,000 आ रहा है, 8,000 आ रहा है, उसके बाद 8,500 आ रहा है, 8,500, 16,000 आ रहा है, ये भी आ रहा है। और कुछ वीडियोज ने तो मेरा कमाल ही कर दिया। आप देखिए यहाँ पे 13K, यहाँ पे 2600, यहाँ पे 4700, यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे 3,507 व्यूज। तो इस तरह से मेरे इन पेज पे व्यूज आ रहा है। तो आप भी अपने पेज पे वीडियोस पे व्यूज ला सकते हैं, बट उसके लिए आपको सही तरीका जानना पड़ेगा कि कैसे आप 2024 में अपने पेज पे किस तरह से वीडियोस को अपलोड करते हैं और सही तरीका क्या है। साथ में कई सारे अननेसेसरी पॉइंट है जो आप अपनी अपलोडिंग वीडियो करने के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आप क्या करते हो, प्ले नाउ पे टिक करते हो और अपलोड करते हो। दूसरा, कभी आप फेसबुक एप्लीकेशन से वीडियोस को अपलोड करते हैं। तीसरा, कभी आप जो बिजनेस सूट आया है उससे वीडियोस को अपलोड करते हैं, यानी कि बिजनेस सूट ऐप से। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है आपके पेज की जो रीच है वो डाउन हो जाए, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप ऐप से करते हैं तो आपकी जो रियल वाली वीडियोज होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी डल हो जाती है, लो हो जाती है। तो आज इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि 2024 में सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है वीडियोज अपलोड करने का, वो भी फेसबुक पेज पे। बट उससे पहले एक बात जरूर से बोलना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे फेसबुक के रिगार्डिंग, इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग और अर्निंग के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड होती है। देखो दोस्तों, मैंने वीडियोस में आपको बताया था कि फेसबुक ऐप से आप बिल्कुल भी वीडियोस को पब्लिश नहीं करना, नहीं तो लो क्वालिटी हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने ये स्टूडियो ऐप है इनका, बिजनेस स्टूडियो ऐप है, उससे भी नहीं करना, ऐप की बात कर रहा हूं। हालांकि आप फेसबुक ऐप से कर सकते हैं, पर उसका अलग मेथड है। अब आप जनरली गलती क्या करते होंगे, इस तरह से फेसबुक ऐप का इंटरफेस ओपन हो चुका है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से पेज पे आप वीडियोस को अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं तो इसी वाले पेज पे जो है ना वीडियोस को अपलोड करना चाहता हूं, जो कि ये वाला पेज है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं इस पे और ये सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते होंगे कि यहां पे क्लिक करते होंगे, आप ऐसे क्लिक करने के बाद में उसके बाद वीडियोस को आप ढूंढते होंगे। फिर मान लीजिए आपको ये वीडियो मिल गई, ठीक है, इस वीडियो पर आप क्लिक करते होंगे और यहाँ पे आप क्या करते होंगे, क्रिएट पोस्ट इंस्टेंट पे क्लिक करके ये वीडियो यहाँ पे आ गई होगी। उसके बाद आप यहाँ पे ये वीडियो आ गई है, उसके बाद आप क्या करते होंगे, यहाँ पे अपना टाइटल डालते होंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते दे होंगे इस वाले पे, ठीक है ना। तो क्लिक करने के बाद में आप जो है ना यहाँ पे सीधा पोस्ट कर देते होंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी वीडियो वायरल नहीं हो पाएगी। ये बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरीके पर आपको जाना ही नहीं है। आपको करना क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ, डिस्कार्ड यहाँ पे कर देता हूँ। एक्चुअल में आपको जाना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो प्लस का ऑप्शन है इस पे। अगर ये प्लस का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसको अपडेट करिए, अपने फेसबुक ऐप को अपडेट करिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में जरा आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रील्स अपलोड करना चाहते हैं, लाइव करना चाहते हैं, स्टोरी करना चाहते हैं और यहाँ पे अपलोड वीडियो करना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, अपलोड वीडियो पे क्लिक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पास में आपके पास इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो वीडियो है वो कहाँ रखी है, वो वीडियो उसको आप सिलेक्ट कर लिए, मान लिए वीडियो है और हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो चीज़ मैंने पिछले वाली वीडियोज में बताई थी वो मैंने बताई थी अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से करना चाहते हैं, इस वीडियो में बता रहा हूं अगर आप अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, टाइटल लिखना पड़ेगा। अब टाइटल यहां पे क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों टाइटल अगर आप अच्छा लिखोगे तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो मैं यहां पे टाइटल अभी के लिए क्या लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन फेसबुक पेज, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक टाइटल और लिख देता हूं, फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, ऐसे मैंने लिख दिया।
सेम मैंने ये टाइटल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लिया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में डालना है। काफी सारे लोग डिस्क्रिप्शन में नहीं डालते, डिस्क्रिप्शन में सेम डालना है आपको, यानी कि ऊपर भी सेम आ गया नीचे भी सेम आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं लगाया। तो दो तरीके हैं यहाँ पे थंबनेल लगाने के। एक तरीका तो यह है कि आपको कोई थंबनेल अगर आपने बनाया हुआ है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करिए, नहीं तो आप वीडियो से भी ले सकते हैं। वैसे बेस्ट तरीका यह है कि हम वीडियोज को थंबनेल बनाते हैं। आप मेरी ये वीडियोस देखिए, ये मैंने थंबनेल लगा रखे तभी मेरी वीडियो वायरल जा रही है। तो आपको क्या करना है, पहले थंबनेल बना लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपने बना लिया और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड पे, ठीक है, इस पे ऐड पे क्लिक करता हूँ। मान लीजिए ये थंबनेल हमने बनाया था, इस थंबनेल पे हम क्लिक करें, क्लिक करने के बाद में जरा आप देखिए कितना बेस्ट थंबनेल यहाँ पे लग रहा है, लग रहा है ना। तो आप क्या करते हो, वीडियोस को ऐसे ही अपलोड करते हो। अगर मान ले जाए आपके मन में ये बात है कि मैं नहीं अपलोड करना नहीं चाहता मैं थंबनेल से, तो आप वीडियो से भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे आप जाओगे ना तो आप यहाँ पे वीडियो को आगे पीछे करके भी ले सकते हो। जैसे कि ये है, ये आ गया है वीडियोस में, तो ये भी आप ले सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है कि ये वाला थंबनेल चाहते हो, ये वाला चाहते हो। ये एक्चुअली में बाय डिफॉल्ट क्रॉप कर देता है इसको, ठीक है ना। ये लेना चाहते हो, कौन सा लेना चाहते हो। वैसे ये तो अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा तो यही लग रहा है भाई, ये मैंने सेलेक्ट किया यही अच्छा लग रहा है। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे, आपकी वीडियो कंप्लीट होते ही, अपलोडेड होते ही वीडियो ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगी और आपके जो व्यूअर है, जो फॉलोअर्स है, उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ये एक तरीका है अगर आप अपने फेसबुक ऐप से वीडियोस को अपलोड करना चाहते हैं। वैसे एक वीडियो और बनाने वाला हूं 2024 में कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जो फेसबुक पे, जिसमें आप टैग्स लगा सकते हो, जिसमें क्रॉपिंग कर सकते हो, जिसमें एडजस्ट कर सकते हो, वो तो बिल्कुल अलग ही लेवल की वीडियो होने वाली है। अगर वो वीडियो भी आप चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्टली समझा दिया, अगर आप अपने मोबाइल से फेसबुक पेज के लिए वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं तो ये मेथड आप यूज कर लीजिए। डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, आपके व्यूज और वीडियोस जो है अच्छी चलेगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।